पानी जम जाता है बाथरूम में। एंड दादी आपको एक आदमी बाहर नहीं दिखेगा। लुक एट दिस एवरीबॉडी, ये है पत्थर बर्फ का और ये देखो ओ। तो चांद आपको आज धरती पे ही दिखा देते हैं। एल्टीट्यूड 13478 फीट, अपना मॉन्स्टर पहुंचा हुआ है यहाँ पे। भाई गाड़ी तो नीचे जा रही है खुद से, ये तो रिस्की हो गया भाई साहब। प्रेशर आ गया, जम गई है शायद यहाँ। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या करूं। देखो देखो देखो, कोई जानवर जा रहा है, कोई जानवर है। देखिए गाइस, हम पहुंच गए हैं जो जिला पास एल्टीट्यूड। Hey, good morning guys, good morning from Ladakh and आज की सुबह काफी अच्छी हुई, अच्छी से नींद पूरी हो गई है। मेरा आज का स्टे होम स्टे में था। इधर का यार पानी जम जाता है बाथरूम में, तो सुबह सुबह सारा पानी जमा पड़ा है, तो हमारे लकड़ी वकड़ी डालनी पड़ती है, लेकिन ये धूप से होता है। तब इसमें यहाँ से पानी डालेंगे तो यहाँ से गर्म निकलता है, तब ये निकलेगा, ये इसमें डालेंगे और इससे मुँह हाथ धोएंगे। मतलब जो सुबह सुबह मुँह धोना और सब चीज़ें थोड़ा सा है स्ट्रगल, लेकिन अच्छा लगता है ऐसे। और नज़ारे देखो, लैंडस्केप देखो आप। Oh my God, what a landscape! बहुत ही खूबसूरत है। और बादलों के नज़ारे देखो कितना शानदार है सुबह सुबह। एंड यहाँ बनी हुई है बुखारी जिसमें मैं रात में हम बैठे थे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। एंड मेरे को ये पेड़ बड़े पसंद है जिनके ऐसे पत्ते टूट के गिर जाते हैं। एंड ये अपनी गाड़ी खड़ी है नीचे, भाई से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। एंड दादी खाना खा रहे हैं अभी, आंटी तो चले गए, स्कूल टीचर है वो। मेरा अभी क्या, मेरा यहाँ स्टे करने का प्लान तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो जिला की टनल है ना वो हो रही है एग्जैक्टली, आज बंद हो गई है, कल स्नोफॉल हो गया, आज भी स्नोफॉल बता रहे हैं, तो फंस ना जाऊँ इसलिए मैं एक बार के लिए निकलूंगा यहाँ से। एंड विंटर में हम यहाँ पे दोबारा आएंगे। कल यहाँ पे स्टे था अपना, एंड इधर कल मैं ले साइड से आया, उधर आपको काले बादल दिखाई दे रहे होंगे। तो ले के साइड में अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है, सब कुछ व्हाइट हो गया। जो कल हम पत्थर साहब गुरुद्वारा तक गए थे वहाँ तक सब कुछ सफ़ेद हो गया है, मतलब बहुत अच्छी खासी स्नो है। अब मेरा एक दिल कर रहा है कि वापस ले जाऊँ, लेकिन फिर मेरे को ये लगता है कि जोजिला वाला प्रॉब्लम हो रहा है। रास्ते में जोजिला पास आएगा, वहाँ का हाइट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उधर बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है, और उधर बर्फ गिरी हुई है, रास्ता बंद हो रखा है। 1-2 बजे बाद वहाँ खुलेगा, अगर वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल दोबारा हो गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को फिर वापस द्रास में आके कोई जगह लेके रुकना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को भी निकलना है। थोड़ा इधर क्या है, -5 डिग्री अभी भी टेम्परेचर है, बहुत लो हो रखा है, क्योंकि स्नोफॉल हो गया ना तो टेम्परेचर बहुत लो हो गया। नज़ारे देखो कितने शानदार है, लैंडस्केप देखो कितने गजब के लैंडस्केप है हर तरफ। बाय बाय मिलते हैं जल्दी। तो इधर से निकल गए अभी हम, ये जगह का नाम मेरे को कंफर्म नहीं है यार, क्या नाम है, बाकी मैंने एड्रेस डाला है इसमें वीडियोस में, आप लोग भी यहाँ पे आके रुक सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे लोग हैं लोकल्स, बहुत ही अच्छे, मतलब इतना ख्याल रखा कल, मतलब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फैमिली जैसा फील आएगा आपको यहाँ पे, फैमिली जैसा फील आएगा बिल्कुल। मेरा तो जाने का मन ही नहीं था, जाने का रीज़न बस जोजिला पास है, क्योंकि उधर पैक हो गए ना इधर तो फिर पैक ही हो जाएंगे। तो अपना 100 डेज सीरीज चल रहा है, इसलिए डेली का न्यू वीडियो रखना पड़ता है, नई जगह का, नई जगह ना भी हो तो भी कम से कम कंटेंट होना चाहिए उस जगह पे अच्छा खासा। सामने का माउंटेन देख रहे हो ना, इस पे छाया पड़ रही है, ऊपर जो बादल है उनकी। यहाँ मैंने गाड़ी रोक ली है, नजारा देखो अब कितना खूबसूरत है यार रिवर का। ये सिंध नदी है, बहुत ही खूबसूरत नजारा, क्या खूबसूरत है नेचर के बीच में। और आज देखो ऊपर बादल छाए हुए हैं काले, एंड स्नोफॉल हो रहा है हर जगह। ये पहाड़ तो गजब ही है, इनसे प्यार हो गया यार, इनसे प्यार हो गया, इनको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों मैं भाग रहा हूँ घर पे, आई डोंट नो। जो ऊपर है नॉर्थ ऑफ इंडिया अपना हो रहा है, अभी नीचे साउथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ की ब्यूटी अपनी अलग है। इस बार समर में आऊंगा और भर भर के रूफ टॉप कैंपिंग करूंगा, भर भर के जहाँ दिल करेगा, तब तक शायद 100 डेज भी कम्प्लीट हो जाएंगे अपने। जहाँ मेरे को अच्छा नज़ारा मिल गया ना, हम वहीं कैंपिंग करेंगे। इस बार तो मैं टेंट इतना नहीं खोल पाया यार, जस्ट बिकॉज की ठंड भी बहुत रहती है। एवरीबॉडी, ये कोई विलेज आ गया सिसपोल नाम से, सिसपोल है पता नहीं ऐसा सा कुछ है इसका नाम, जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कश्मीर में भी फॉल हो जाएगा अभी कुछ दिन में, एंड मनाली में भी। पता है कुछ रीज़न ये है कि इस बार थोड़ा सा पता नहीं कश्मीर में थोड़ा जल्दी हो जाता है, हुआ नहीं है अभी तक, ऊपर ऊपर हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, तो
तो इधर भी सेम ही है, ऊपर हो रहा है, अभी नीचे भी होने लग जाएगा। माउंटेन रेंज है इतनी खूबसूरत, इतने तगड़े लैंडस्केप हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ साथ के साथ मैं शॉट निकाल रहा हूँ। और यहाँ पे मौसम है कि खराब, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल धूप नाम की चीज नहीं है। एंड बाहर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, देखो लोग बिल्कुल बाहर नहीं है, आपको एक आदमी भी बाहर नहीं दिखेगा क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी है ना, इधर कौन दिखेगा बाहर। घर है ना ये, देखो ये वाले सामने वाले घर देखो, मतलब पहले ईंटों के मतलब पत्थर के घर बनते हैं, ऊपर ये कच्ची मिट्टी लगाई जाती है ताकि घर गर्म रहे, और ठंड में यहाँ पे पानी जम जाता है घरों में। तो भाई सुबह सुबह नहाना फ्रेश होना बहुत ही टफ है भाई। यहाँ पे भी जितने भी होटल्स वोटल्स ढाबे डूबे हैं ना, वो मोस्ट ऑफ बंद हो गए हैं क्योंकि लोग अपने अपने घरों को निकल गए हैं। वहाँ की जो आंटी है, ओनर है, वो क्या है गवर्नमेंट टीचर है इसी एरिया में, खलसी में ही। और आगे चल के थोड़ा सा जंस्कार का गेट भी आएगा, जंस्कार जाने के लिए रास्ता। और वैसे ये वाली रोड तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी टूरिस्ट देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन मनाली ले हाईवे तो टोटली बंद है भाई। This guy, look at this. ये है जबरदस्त वैली, और इस वैली के बीचों बीच खड़ा हूं मैं, और वो अपनी थार, और ये है स्नो फ्लावर पॉइंट, और नीचे की साइड में है इंडस रिवर। और ये देखो यार क्या खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिला है। एंड शाम के टाइम में तो ये बिल्कुल ही जम जाता है, क्योंकि जिस दिन मैं इधर से गया था उस दिन तो टोटली फ्रीज था। आपको दिखाते हैं ये तलवार खींच के कोई अगर मैं पहुंच पाता हूँ तो, वैसे तो बहुत ऊंचाई पे है ये, नीचे की साइड में यहाँ कहीं है। ओ गजब भाई, look at this everybody, look at this. और टूट गई, टूट गई। मजा आता है यार, कुछ भी कहो मजा आता है इधर। अगर वो देखो कितना गिरा, ये है पत्थर बर्फ का, और ये देखो ओ गजब मजा आ गया। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, अमेजिंग जगह लगी मुझे। आज जुजीला पास क्रॉस करने का प्लान है, लेकिन कर पाएंगे तो। कहाँ पहुंची है वो चीज आपको दिखाते हैं। आपने सुना होगा चांद के बारे में, तो चांद आपको आज धरती पे ही दिखा देते हैं। ये देखिए क्या गजब लग रहा है यार, क्या शानदार लग रहा है। मतलब इस जगह को बोलते हैं मूनलैंड, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मूनलैंड, जो आपको ले श्रीनगर हाईवे पे देखने को मिलेगा। तो चांद का फील लेना है तो आप यहाँ आके ले सकते हैं। इसका देखो नीचे से देखो, इसका टेक्सचर देखो कितना शानदार है, कितना शानदार है। और नीचे के साइड में वो देखो रिवर फ्रीज हो रखी है, प्रॉपरली फ्रीज हो रखी है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो है, और मैं हूँ अभी मूनलैंड पे, एक तरफ ऐसे पहाड़ और दूसरी तरफ ऐसे पहाड़। सोच के ना मतलब दिमाग में ये लगता है कि नेचर के कितने रंग है यार, कैसे कैसे रंग है। मैं पहुंचा हुआ हूँ लामा यूरू, एंड ये ऊपर की साइड में मोनेस्ट्री है, जो काफी पुरानी मोनेस्ट्री है। यहाँ से जस्ट नीचे उतरते ही वो मूनलैंड आ जाता है, और हम पहुंचे हुए लामा यूरू। एंड ये अच्छी खासी हाइट पे, कम से कम 12,000 फीट एल्टीट्यूड रहेगा। और वो देखो यार किस तरीके से मतलब मोनेस्ट्री टिकी हुई है ऐसे पत्थरों के ऊपर। ये हमने लोकल से बात किया है तो ये बता रही है मोनेस्ट्री, ये वाला मोनेस्ट्री 1,000 साल प्लस पुराना है, तो ऊपर भी जा सकते हैं, वैसे आप जाके देख सकते हो। यहाँ रुकने के ऑप्शन है, होम स्टे है। फाइनली अगेन आई रीच, ये लो जी फतुला पहुंच गए हम। राइट नाउ आई एम एट फतुला टॉप, एल्टीट्यूड 13,478 फीट। देखो ऊपर सारे स्नो माउंटेन्स हैं, इधर भी, और वो नजारे तो भाई सुपर अमेजिंग है, सुपर अमेजिंग यार, कुछ भी कहो। 13,489 फीट पे आके सांस का तो इतना दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैं खारदुंगला करके आ चुका हूँ तो अभी बहुत नॉर्मल लग रहा है। बट यहाँ से यार ड्रोन शॉट लेने थे, यहाँ मिलिट्री का इलाका है। मैं फतुला से गुजर रहा था तो दोनों मेरे पीछे पड़े थे, अब मेरे दोनों दोस्त बन गए। अब गाड़ियों के पीछे मत भागा करो। और सामने देखिए कितना शानदार माउंटेन रेंज है।
पूरा फ्रोजन हो रखा है, सब कुछ फ्रोजन हो रखा है, मजा आ गया। एवरीबॉडी देखिए मैं जा रहा हूँ नीचे रिवर की तरफ। वैसे तो शायद गाड़ी ले जाना सही भी नहीं है ऐसे रिवर साइड पे, एंड हम क्या है यहाँ तक लेके आएंगे। बस 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 बस, ओ माय गॉड, सुपर अमेजिंग। लोग नदी में भी गाड़ी उतारते हैं यहाँ पे, लेकिन हम बस ओनली यहाँ तक लेके आए हैं। और सामने देखो पूरी की पूरी रिवर जमी पड़ी है क्या पर रोड, और हम आ चुके हैं रोड के नीचे। और ये देखिए यार विंटर वंडरलैंड के नजारे आप देख सकते हो। ठंडी में सब कुछ फ्रीज हो रखा है, बस थोड़ा थोड़ा कॉर्नर कॉर्नर में पानी रनिंग है, और कुछ दिनों में तो ये भी जम जाएगा। उधर थोड़ा ऊपर जाके मिलिट्री का कैंप, अगर वो कैंप नहीं होता तो हम गाड़ी बीच में उतारते हैं, यहाँ थोड़ी सी मस्ती करते इसमें, लेकिन यार यहाँ गाड़ियां स्किड करेगी क्या फायदा है। अपना मॉन्स्टर पहुंचा हुआ है यहाँ पे, क्या बात है। आगे बिल्कुल नीचे रिवर है और मैं काफी स्टीप में खड़ा हूँ, मेरे को बैक लेनी है गाड़ी, बिल्कुल बैक लेनी है, नहीं तो आगे चली जाएगी। आगे जा रही है, आगे जा रही है, ब्रेक गियर लगा के थोड़ा रेस देनी पड़ेगी। भाई साहब प्रेशर बहुत है, गाड़ी आगे जा रही है, 4x4 लगाना पड़ेगा या तो। नहीं नहीं गाड़ी तो आगे जा रही है यार, 4x4 लगाना पड़ेगा, 4 हाई लगा देते हैं। चल भाई गाड़ी तो नीचे जा रही है खुद से, ये तो रिस्की हो गया। भाई साहब प्रेशर आगे लगाता हूँ मैं, पहले कोई पत्थर वत्थर लगाएंगे ताकि गाड़ी प्रेशर से नीचे ना जाए, अकेले में ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए रिस्क कम लेना चाहिए। मैंने लगाए हैं पत्थर, दो बड़े पत्थर लगा के आया हूँ मैं नीचे, क्योंकि गाड़ी आगे गई तो सीधा रिवर के अंदर चली जाएगी, एंड रिवर के अंदर अपने को नहीं लेके जानी है। ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए वैसे, अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। हर हर महादेव। ओ गॉड, ओ भाई बैक हुई, फाइनली बैक हुई, मजा आ गया, मजा आ गया। गाड़ी बिल्कुल रिवर की तरफ चली गई थी, और भाई क्लच प्लेट की बदबू आ गई, ऐसा एडवेंचर भारी पड़ जाते हैं यार। सामने के गाइस लैंडस्केप, ओ माय गॉड क्या शूट हो रहा है यार कैमरे में आज तो। समर में तो और भी ज्यादा सुंदर होता है, लेकिन ये विंटर है तो देखो आप विंटर में भी कितना गजब का लग रहा है। और ऊपर से जो पानी आता है वो जम जाता है यार, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पानी का यहाँ पे, बहुत ही बड़ी दिक्कत है ये विंटर टाइम में। हवा का प्रेशर थोड़ा तेज है, बट मैं ट्राई करता हूं अगर गैस जलती है तो। गैस जम गई है शायद, यहाँ तो चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है और मैं कुकिंग करने वाला था आज, मैं ब्लैक कॉफी पीने का मन है, नीचे रख के बनेगी ऊपर नहीं बनेगी। मैं कुकिंग करने वाला था लेकिन एक ट्रक वाले भाई साहब आए अभी, उन्होंने बोला कि इधर बहुत तेज तगड़ा स्नोफॉल बता रखा है कल का, और जो जिला पे बहुत ज्यादा स्नो है, कहता फटाफट निकलो, फुल भगाओ गाड़ी और श्रीनगर तक पहुंचने की कोशिश करो, जैसा कैसे भी हो, नहीं तो फंस जाओगे आप यहाँ पे। तो यार कुकिंग करते हैं कैंसिल और निकलते हैं यहाँ से आप, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। दिस इज नमकीला पास, यू कैन सी, दिख भी नहीं रहा, ये है नमकीला पास जो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। टाइम जब मैं आया था ना मुलबैक में, तो मैंने स्टे लिया था ये वाले घर में, मैंने स्टे लिया था इस होम स्टे में। इधर काफी सारी सुविधाएं मैंने देखी, कॉलेज, स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, सब कुछ, काफी बड़ा विलेज लग रहा है आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखो ये कच्चे से हाउसेस लगते हैं ना, ये बहुत गर्म रहते हैं अंदर से। मैं एक जगह गया था जहाँ मेरा स्टे था, उधर ही पास में मैंने देखा था ये सा, एंड आज लैंडस्केप बहुत ही गजब लग रहा है, ऊपर के क्लाउड्स, माउंटेन्स, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। जो डिस्टेंस है हमारा आज का, आज थोड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है, गाड़ी 80 को ही टच हो रही है बार बार, 80-90 चल रही है, कहीं कहीं मोड़ ज्यादा आते हैं तो 60-70 करना पड़ता है। कारगिल पहुंच गया हूं मैं, और कारगिल के बाद में अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द्रास, और द्रास के बाद जो जिला पास आ जाएगा। द्रास यहाँ से दूर है थोड़ा, अपने लेफ्ट में बिल्कुल कारगिल शहर है, और नीचे से बह रही है सुरू रिवर। तो कारगिल और कारगिल पहुंच के गाड़ी का टैंक फुल करवा ही लेते हैं, वैसे तो पड़ा है तेल, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए ठीक है, क्योंकि आगे का पता नहीं है क्या हालात मिले अपने को। थोड़ा सा आगे आया हूँ, यहाँ से कुछ एप्पल लिए हैं, मैगी ली है, अगर हम स्नो में फंस जाए तो बैकअप पहले ही बना के रख लेते हैं। बड़ी वो सामने देखो स्नो माउंटेन दिख रहा है, क्योंकि उधर काले बादल अभी भी छाए हुए हैं, और मैं हूँ अभी द्रास से थोड़ा सा पहले, द्रास आने वाला है, तो हमने अच्छी खासी गाड़ी खींच ली, तो हमारा अच्छा खासा आज का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, और अभी आगे द्रास से एक बार रुक के अपडेट लूंगा होटल वाले से।
देखो ये इस तरफ कारगिल वॉर मेमोरियल आ गया है, जहाँ ज्यादा टाइम हम रुके थे। इधर ठंडी बहुत ज्यादा है एंड यहाँ जरूर आ सकते हैं, आप जरूर आए, आपको काफी अच्छा लगेगा। कारगिल वॉर मेमोरियल। एवरीबॉडी, मैं पहुंच गया हूँ त्रास में एंड टाइम करीब 5:20 हुई है। सामने की साइड में कुछ स्नो माउंटेन दिख रहे हैं, वो है जो जिला पास उससे थोड़ा सा आ गई है। मैं हूँ द्रास में अभी एंड कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यहाँ रुकूँ या क्रॉस करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहते रास्ता तो अभी क्लियर है, तो आई एम वेरी कंफ्यूज कि क्या करूँ। देखते हैं क्या करना चाहिए मेरे को। एक तो क्या अकेला हूँ और ब्लैक आइस हो जाती है इस टाइम, तो पता नहीं क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। तो कल अगर मैं दोपहर में ट्राई करता हूँ तो, लेकिन कल तक अगर और स्नोफॉल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एवरीबडी, अभी एक मैंने डिसीजन लिया है कि अभी रात में निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोकल से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी मौसम खुला है तो आप अभी निकल जाओगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, कोई जानवर जा रहा है, कोई जानवर है, वो निकल गया। हे हे, मुझे भेड़िया लग रहा है, थोड़ा वाइल्ड लाइफ हो गया। हे, वो पीछे खड़ा। रास्ते देखो यार, बिल्कुल टूटे से हैं और धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। टाइम तो करीब 6:30 होने को आ गए हैं। यहाँ तक तो बर्फ नहीं है, पहाड़ है इस पे फुल, नीचे तक बर्फ है और ये रोड के ऊपर भी गीला पड़ा है, यानी कि साफ तो हुई है बर्फ थोड़ी बहुत। ये समझ नहीं आएगा आपको वीडियो में, क्योंकि नाइट हो गई ना भाई। ये वो देखो व्हाइट चमक रही है, वो सारी बर्फ है, आपको जूम में सही समझ आएगा। लाइट का पूरा फ्लो पड़ रहा है अभी उसपे। इधर ना इस तरफ जो लेफ्ट है, इस तरफ ब्लैक आइस पड़ी है, इतनी बर्फ पड़ी है नीचे। देखो कैसे बर्फ पड़ी है, आपको समझ आ रही होगी इधर देख के, कैसे भर के बर्फ है। और बर्फ इधर भी है और रोड क्लीन किया गया यार, ये मतलब आर्मी के द्वारा। ये ऊपर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, हर हर महादेव। फॉल तो हुआ इधर अच्छा खासा, लेकिन सब पानी बन गया। ये देखिए गाइस, हम पहुंच गए हैं जो जिला पास, एल्टीट्यूड 11,649 फीट। ये देखो कॉर्नर में कैसे बर्फ पड़ी है। रोड तो साफ की गई है एंड व्हीकल भी बहुत निकले हैं, तो उससे बड़ा फायदा हो जाता है। और एंड वन मोर थिंग, अभी हम कश्मीर में एंटर हो चुके हैं। सोनमर्ग क्रॉस किया मैंने, और सोनमर्ग क्रॉस करने के बाद फिर से अभी अपने आगे के रूट पे हो गए हैं और श्रीनगर हाईवे पे हूँ मैं अभी। सोनमर्ग क्रॉस करते ही जस्ट एक प्रॉपर्टी है, इसमें ही अपना स्टे रहेगा आज का। तो चलते हैं रूम के अंदर, रूम भी ठीक ठाक सही है। तो ये एक छोटा सा रूम मिला है, ये 2,000 रुपीज का, कॉस्टली है भाई इधर चीजें। एक बेड है, बस है, स्पेस ही नहीं है, इतना सा स्पेस है। एक चेयर लगी है, कर लेंगे गुजारा, रात ही काटनी है, सुबह भागना है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली होगी एंड बहुत सारे एफर्ट लगा है भाई, बहुत मेहनत होती है एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड देन लव लाइफ, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आगे बड़ी बड़ी चीजें आने वाली है, बहुत बड़े बड़े प्लान्स आने वाले हैं।